तो क्या हालचाल दोस्तों। तो आज पूरा हवा में से डाउन टू अर्थ आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हमारी टीम इंडिया काफ़ी उत्साह से वेस्ट इंडीज से जहाँ चैंपियंस बनी और वहाँ से ट्रॉफी 4 जुलाई को इंडिया में लेके आई। तो आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि काफ़ी बड़े पैमाने पे इस विक्ट्री परेड का सारा माहौल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और पूरे पूरे मुंबई में जो मरीन ड्राइव से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक सारे रोड पे इतने सारे लोग और इतनी ज़्यादा पब्लिक, और आप मानोगे नहीं कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होती है कि हम भी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ करें और लोग हमारे लिए ऐसे आए और इकट्ठा हो और हमारे लिए चीयर करने के लिए आए और हमको देखने के लिए आए, तो वो काफ़ी बड़ी एक विक्ट्री होती है। और एक होता है कि ट्रॉफी जीतना और एक होता है कि ट्रॉफी के साथ लोगों का प्यार जीतना। तो लोगों का प्यार जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हो जाता है। कहीं ना कहीं हम सब चाहेंगे कि लोग भी हमारे लिए इतना ही प्यार उनके दिल में रखें और हम सबको ऐसा प्यार मिले, पर ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ही प्यार था। आई होप कि 2023 में हमने वर्ल्ड कप जीता होता तो इससे भी बड़े पैमाने पे हमको परेड देखने को मिलती और इससे भी ज़्यादा पब्लिक हमको चीयर करने आती, पर वो जो टाइम था वो चला गया। पर ये जो राइट टाइम है 2024 T20 वर्ल्ड चैम्पियन, भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2007 में जो MS धोनी भाई ने किया था उस टाइम पे भी ऐसी विक्ट्री परेड हुई थी, और 2024 में जब रोहित शर्मा ने की ट्रॉफी जीती तब भी यही सेम माहौल था। क्योंकि आप दोनों पिक्चर को कंपेयर करोगे तो दोनों में ही सेम एक्साइटमेंट लेवल और सेम चीज़ें की गई है, क्योंकि उसमें भी एक चैम्पियंस के लिए बस बनाई गई थी और इसमें भी चैम्पियंस के लिए बस बनाई गई थी, जहाँ पे पूरे रोड पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्यार मिला है टीम इंडिया को और ट्रॉफी को। क्योंकि एक चीज़ होती है जो हम बाहर विदेश में से हमारे देश में कुछ अलग पैमाने पे चीज़ लेके आते हैं चीयर, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, और जब मेहनत करते हो और जब आपको सब्र का फल मिलता है तो उसकी भाई वाइब ही कुछ अलग होती है। तो वो सारी वाइब को भाई अकेले महसूस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, सब लोगों में स्प्रेड करो और लोगों के साथ चीयर अप करो, लोगों के साथ मिलकर उस हंसी और खुशी के पल को मनाओ तो भाई दुगना मज़ा हो जाता है। तो उसी के साथ इंडियन टीम ने ये परेड के साथ काफ़ी लोगों का दिल जीता है, और काफ़ी जो लोग मानते थे कि ICC ट्रॉफी को जीते हुए बहुत टाइम हो गया भाई, तो 2024 में वो ख्वाब पूरा हो चुका है। क्योंकि एक थे MS धोनी, और MS धोनी के बाद जो T20 वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं वो है रोहित शर्मा, और उसी के साथ उन तीनों प्लेयर्स ने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। कौन से तीन प्लेयर्स है वो जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाओ, उसका मैंने होल वीडियोस बनाया है तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। पर ये चैम्पियंस ट्रॉफी और जो ये चैम्पियंस बने हैं भाई नेक्स्ट लेवल। जब मैंने सुना कि भाई 4 तारीख को हमारी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से इधर आ रही है तो मैं बहुत खुश हो गया। क्योंकि उसके बाद तो सबसे पहले तो वो हमारे PM नरेंद्र मोदी के साथ मिलने गए, बातचीत की, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर वो आए मुंबई और मुंबई में विक्ट्री परेड की भाई साहब नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में सेलिब्रेशन हुआ और काफ़ी इनोग्रेशन सिस्टम और इनोग्रेशन प्रोग्राम्स हुआ, और काफ़ी मज़ा आया। और आई होप सो कि आपको भी मज़ा आया, अगर आया हो आई होप सो कि आपको भी मेरे वीडियोस देख के मज़ा आता होगा, तो इसीलिए आप सब मेरे लिए मेरे साथ जुड़े हुए और इसी भी आपको बनाए रखना, और मैं भी मेहनत करता रहूँगा। तो जैसे टीम इंडिया आगे बढ़ रही है तो होपफुली हम भी आगे बढ़ते रहे और नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते रहे। तो इसी के साथ मैंने भी कुछ सोचा है कि थोड़ा सा ये जो चल रहा है उसको कंसिस्टेंट रखे और थोड़ा आगे न्यू वे में जाया जाए, और थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत किया जाए, तो जो हम अभी भी कर रहे हैं। तो होपफुली टीम इंडिया ऐसे ही आगे मैच जीतती रहे और काफ़ी सारी चैम्पियंस बनती रहे और ट्रॉफीज हमारे देश में लेके आए, तो हमारे टीम इंडिया को और इंडियन जो हम रहवासी है उन लोगों को ऐसे ही खुशी का मौका मिलता रहे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग के या नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, टाटा बाय, और जो
खाते हुए क्या होता है भाई, थोड़ा सा खुशी का माहौल थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। जो आपको ऐसे ही खुशी वाले और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है टीम इंडिया के वीडियोस की, तो वो आप जाके देख सकते हो। और जो नए व्यूवर्स हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो हम मिलेंगे ऐसे ही एनर्जेटिक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय।